हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वो मोटर के बारे में। सर्वो मोटर क्या होती है, इसका कहाँ यूज़ होता है और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे बहुत से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहता हूं और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बहुत सारे नॉलेज या इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी जान सकते हैं। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वो मोटर होता क्या है। सर्वो मोटर नाम सर्वो मैकेनिज्म से पड़ा है। सर्वो मैकेनिज्म क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम कोई भी अगर सप्लाई देते हैं या कोई भी आउटपुट देते हैं तो उसका एक फीडबैक जनरेट होता है जो दोबारा इसके इनपुट से कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे सर्वो मोटर वर्क करती है। बेसिकली सर्वो मोटर दो पार्ट से मिलके बनी होती है, एक होता है मोटर और दूसरा होता है इनकोडर। इनकोडर का जो पार्ट होता है उसके बारे में आपको जानना है तो मेरे वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं। ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए और आप इनकोडर के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। खास तौर पर सर्वो मोटर का प्रयोग जहाँ भी हाई प्रिसीजन से या हाई एक्यूरेसी से करना है वहाँ पे हम सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं। आजकल सर्वो मोटर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी हैं क्योंकि बहुत सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे हम सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं। सर्वो मोटर मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होता है एसी सर्वो मोटर और दूसरी होती है डीसी सर्वो मोटर। एसी सर्वो मोटर के अगर हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये एसी सर्वो मोटर मेनली दो फेज की इंडक्शन मोटर होती है और इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग होती है जिसको हम मेन बाइंडिंग कहते हैं और दूसरी होती है जो कि रेफरेंस बाइंडिंग होती है। इसमें जो एक बाइंडिंग होती है वो कहलाती है रेफरेंस बाइंडिंग, जिसमें कांस्टेंट साइनोसोइडल सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, और जो दूसरी बाइंडिंग होती है वो कहलाती है कंट्रोल बाइंडिंग, और इसमें वोल्टेज वेरी किया जा सकता है जो इसके पल्स और उसके अकॉर्डिंग जैसा हमको इससे वर्क कराना है उसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज को वेरी किया जाता है। और इसमें ये बेसिकली ये रेफरेंस आउटपुट से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होती है। और मेन डिफरेंस इसमें नॉर्मल मोटर और एसी सर्वो मोटर के बीच में ये होता है कि एसी सर्वो मोटर में जो रोटर वाइंडिंग होती है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है और इंडक्शन मोटर और सर्वो मोटर में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो इसमें जो साइनोसोइडल इंडक्शन मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पॉजिटिव स्लोप बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंडक्शन मोटर में जो भी मूवमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है और इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एसी सर्वो मोटर की जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लीनियर होती है और इसमें नेगेटिव स्लोप होता है। इस कारण इसमें जो भी मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में होता है। इसलिए हम सर्वो मोटर को जहाँ पे हाई प्रिसीजन से काम कराना होता है या जहाँ हाई एक्यूरेसी से कराना होता है वहाँ पे हम एसी सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें जितना आउटपुट देंगे ये उतना ही मूवमेंट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं डीसी सर्वो मोटर कितने टाइप की होती है। इसमें सबसे पहले आती है सन टाइप डीसी सर्वो मोटर, इसमें सेकंड है स्प्लाइट टाइप डीसी सर्वो मोटर, थर्ड नंबर है संट कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर और फोर्थ है परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वो मोटर। ये सभी डीसी सर्वो मोटर डीसी ड्राइव के द्वारा ऑपरेट की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्वो ड्राइव के बारे में, क्योंकि सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए सर्वो ड्राइव का यूज किया जाता है, क्योंकि सर्वो ड्राइव से ही सर्वो मोटर ऑपरेट होती है। अगर किसी साधारण इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो वो कॉन्टेक्टर या स्टार्टर के द्वारा ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमको सर्वो मोटर को ऑपरेट करना हो तो इसके लिए हम केवल सर्वो ड्राइव का ही यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई सप्लाई देंगे तो ये ऑपरेट
नहीं होगी। इसमें इनकोडर की सप्लाई अगर नहीं जाती है या फीडबैक लूप नहीं जनरेट होता है तो ये फॉल्ट एरर शो करने लगता है और सर्वो मोटर नहीं घूमती है। इसलिए हम इसके लिए इनकोडर की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, खास तौर से इनकोडर की सही सप्लाई और एसी जो आउटपुट होता है ड्राइव का वो भी प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार से सर्वो मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं और सर्वो ड्राइव इसमें ऑपरेट की जाती है। और खास तौर से सर्वो ड्राइव के अंदर बहुत से पैरामीटर डाले जाते हैं। नॉर्मल एसी ड्राइव जो होती हैं उनमें हम कीपैड का यूज़ करके बहुत से पैरामीटर आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन सर्वो ड्राइव में बहुत से स्पेसिफिक पैरामीटर होते हैं जिनका यूज़ हम विशेष स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही डालते हैं। बहुत सी सर्वो ड्राइव्स जो नॉर्मल एप्लीकेशन में उसमें हम कीपैड का यूज़ करके उसमें पैरामीटर पुट कर सकते हैं, लेकिन सर्वो ड्राइव जहाँ पर हमको बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन में यूज़ करना हो वहाँ पे हमको सर्वो ड्राइव में बहुत से पैरामीटर के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। सर्वो ड्राइव के हम इंटरनल आर्किटेक्ट को भी समझ लेते हैं। सर्वो ड्राइव में नॉर्मली एसी इंडक्शन मोटर में जो ड्राइव यूज़ होता है वैसे ही ड्राइव्स की तरह इसमें डीसी सप्लाई को एसी में, एसी सप्लाई जो आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये आईजीबीटी मॉड्यूल जो ये लगे होते हैं इसको दोबारा एसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोटर्स होती है उसमें एक इनकोडर होता है जो कि इसमें जो इनकोडर द्वारा सिग्नल जनरेट होते हैं वो इसमें प्रोसेसिंग सर्किट को कमांड देता है और इसके अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स में जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल जनरेट होते हैं वो आईजीबीटी मॉड्यूल को सिग्नल देते हैं जिसके अकॉर्डिंग को कमांड दिया जाता है और मोटर मूवमेंट करती है। इस प्रकार सर्वो ड्राइव एसी ड्राइव की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिसके कारण ये एसी ड्राइव से इसको अलग बनाती है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। सर्वो ड्राइव के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। ये सर्वो ड्राइव दी हुई है, इसके साथ यहाँ पीएलसी अटैच की गई है, इसके साथ यहाँ पे थ्री फेज़ की हम सप्लाई भी देते हैं इसको। अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज़ की सप्लाई देंगे। इसके अलावा इसमें जो सप्लाई है, जो सर्वो ड्राइव से सप्लाई निकलती है, एक जो मोटर से जाती है और मोटर का जो फीडबैक है, जो इनकोडर का जो आउटपुट है वो सर्वो मोटर में वापस चला जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे यूएसबी केबल कनेक्ट होती है जिसके द्वारा इसमें कनेक्शन किए जाते हैं और इस प्रकार ये सर्वो मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे सर्वो मोटर सर्वो ड्राइव के कनेक्शन अलग अलग प्रकार से किए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वो मोटर बहुत सी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो मूवमेंट होता है कैमराज की मूवमेंट, या 3D प्रिंटिंग्स होती है, या फिर CNC मोटर्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सी डिवाइस होती हैं, ये एरोप्लेन्स होते हैं, वहाँ पे हम सर्वो मोटर्स का यूज़ करते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सर्वो मोटर के बारे में जाना कि सर्वो मोटर सर्वो ड्राइव क्या होता है, सर्वो मोटर क्या होता है, इनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।